सो फाइनली गाइज IQ9 और IQ9 Pro 5G स्मार्टफोन जो चाइना में इसे लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे आपको 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8Gen1 प्रोसेसर का चिपसेट भी देखने को मिलता है। साथ में इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है, काफ़ी अच्छा डिजाइन भी है इसका, एक स्मूथ यानी बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है IQ9 Pro और IQ9। तो बढ़ते हैं आगे, इसके हर एक फीचर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको अगर लेना हो तो आप इसमें थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए कि आपके प्राइस में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो बढ़ते हैं आगे, हम इसके हर एक फीचर की बात करेंगे। सबसे पहले तो IQ9 की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत जो है कि 46,500 रुपये पड़ जाती है। वहीं 12GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत यहाँ पे आपको 51,500 रुपये पड़ती है, 550 रुपये। अगर हम बात करें 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत तो 56,240 रुपये पड़ जाती है। सो गाइस अगर वहीं पे हम बात करें कि IQ9 Pro स्मार्टफोन की जो कि प्राइजेस क्या होगी, तो 8GB और 128GB की कीमत हो जाती है 58,500 रुपये और 12GB 256 की कीमत होती है 64,500 रुपये। वहीं 512GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत की बात करें तो 70,000 रुपये यहाँ पे हो जाती है। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको देखिए दो कलर ऑप्शन में देखने को मिलता है, ब्लैक और ऑरेंज कलर ऑप्शन में, जो कि एक स्मार्टफोन यह देखने को आपको मिल जाता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं IQ9 और IQ9 Pro की, तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले पर लॉन्च किया गया है। अगर इसकी हम बात करें, यह E5 AMOLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट पे काम करता है। वहीं IQ9 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो 6.78 इंच का डिस्प्ले इसमें भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको 2K क्वाड HD प्लस डिस्प्ले देखने को भी साथ में मिलता है, यानी थोड़ा डिफरेंस है जो स्क्रीन है यानी डिस्प्ले है इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें 2K वाट का HD प्लस देखने को मिल जाता है इसमें आपका डिस्प्ले। वहीं E5 AMOLED LPO 2.00 क्वाड स्क्रीन भी है इसमें आपको प्रो वाले स्मार्टफोन में, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट और के साथ में आपको 1500 nits जो कि ब्राइटनेस भी देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। वही अगर हम इसका जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एंड्रॉइड 12 OS पे वर्क करता है। अगर हम इसमें एक अन्य फीचर देखने को मिलता है, जैसे अगर हम हैवी गेमिंग इसमें करते हैं यानी हम गेमिंग खेलते हैं, तो इसमें आपको जैसे गेमिंग खेलते हैं तो मोबाइल जो है कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके लिए इसमें एक अलग से फीचर दिया गया है जो कि गेमिंग के दौरान फ़ोन को ठंडा रखने के लिए VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपका स्मार्टफोन जो है कि कूल रहेगा यानी ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा। और साथ में आपको 4700mAh की बैटरी मिलती है, 120V फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन प्रो मॉडल में कुछ अलग डिफरेंस यानी कुछ अलग फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा पावर प्रदान किया गया है प्रो मॉडल में, आपको 50V वायरलेस जो है कि चार्जिंग का भी इसमें आपको सपोर्ट मिलता है और 10V रिवर्स चार्जिंग का भी इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन विदाउट प्रो में यानी IQ9 में ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, ये फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ IQ9 Pro स्मार्टफोन में ही देखने को मिलता है। बाकी आपको मैं बता दूं कि इंडिया में इसकी लॉन्चिंग कब तक होगी, अभी इस पर कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई हुई है। डुअल सिम आपको देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको इसमें जो कि नैनो साइज का सिम देखने को मिलता है। अगर हम इसमें कैमरे के लिए को बात करते हैं तो आपको बैक में 3 कैमरा देखने को मिलता है, 50, 50 और 16 मेगापिक्सल का। वहीं अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, जिससे कि हम सेल्फी वगैरह लेते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो 16 मेगापिक्सल का जो है कि फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जो भी इसके फीचर्स थे मैंने उसके बारे में आपसे एक्सप्लेन कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।